सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेस को और साथ ही साथ इस दिए हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का अपडेट पाने के। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राघवेंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टैंड अप क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं लेकर आया हूँ इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। यानी स्टूडेंट, आज के क्लास में हमें एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप में फॉर्म फिलिंग से लेकर के सिलेक्शन तक का सफर तय करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में मैं पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को इतना आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपको इसके बारे में दूसरे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं जानना, बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो स्टूडेंट यार, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। तो स्टूडेंट चलिए, सबसे पहले हम अपने इस एयरफोर्स एयरमैन के रिक्रूटमेंट को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन टेस्ट फेज 1। तीसरा पार्ट है PFT फेज 2 यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट फेज 2। चौथा पार्ट है मेडिकल टेस्ट फेज 3 है, और जो पांचवा पार्ट है वो है फाइनल कट ऑफ यानी जो कि फेज 4 है, और जो हमारा छठवां जो है पार्ट है वो है ज्वाइनिंग लेटर। अब हम जो है इसके बारे में जानना शुरू करते हैं प्रत्येक पार्ट के बारे में पूरे डिटेल में। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इसके फॉर्म अभी जो है भरे जा रहे हैं, जो कि 2 जनवरी से शुरू हुआ है और 21 जनवरी तक होगा। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ अभी टाइम है, सबसे पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर लें, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से आपको जो है अपने सिलेक्टेड एग्जाम सेंटर मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 पोस्ट हैं, पहला एक्स ग्रुप के लिए है और दूसरा वाई ग्रुप के। तो अगर आप एक्स ग्रुप में एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो टेक्निकल ट्रेड में जाएंगे, और अगर यदि जो है वाई ग्रुप से क्वालिफाई करेंगे तो नॉन टेक्निकल ट्रेड में जाएंगे। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने सेकंड पार्ट यानी जो है फर्स्ट फेज पे, जो कि ऑनलाइन टेस्ट है। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट जो है मार्च महीने में होगा, दूसरे से तीसरे सप्ताह में, जिसमें जो है अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करें तो पेपर 2 पार्ट में होगा, इंग्लिश और रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे इंग्लिश से 20 प्रश्न होंगे 20 मिनट के लिए, और रागा में जो है रीजनिंग मैथ और जीके से टोटल 30 क्वेश्चन होंगे 25 मिनट के लिए, यानी टोटल जो है 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 45 मिनट्स में जो है अटेंड करने होंगे। मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और इसमें जो है 1/4 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 गलती करने पर 1 एक्स्ट्रा जो है कट जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स ग्रुप की, तो इसका भी पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, इंग्लिश एंड फिजिक्स मैथ, जिसमें 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से होंगे 20 मिनट के लिए, और दूसरे पार्ट में जो है 25-25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स और मैथ से होंगे 40 मिनट के लिए, यानी टोटल 70 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। ठीक, मैं बता दूं कि इसका भी एग्जाम ऑनलाइन होगा और 1/4 मार्क्स की जो है निगेटिव मार्किंग होगी। नेक्स्ट है कि एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, और जो ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे सेकेंड फेज यानी PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरा पार्ट PFT यानी फेज 2 के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि फेज 2 यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कई प्रोसेस हैं, और ये सारे प्रोसेस एक ही दिन में पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले आपको सुबह में 6 से 7 बजे जो है सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा, वहाँ सबसे पहला प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, उसके बाद आपके जो है 16 मीटर के रेस में शामिल किया जाएगा आपको, जिसे आपको 6.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। तुरंत बाद उसके जो है आपसे जो है 10 सीटअप्स, 20 स्क्वेट्स और 10 पुशअप्स जो है करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको एडाप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड एडाप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में बैठाया जाएगा। ठीक, हम आपको बता दें कि एडाप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में आपको डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा, और एडाप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में सर्वाइवल एबिलिटी इन डिफरेंट जोन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब जब आप ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको GD यानी ग्रुप डिस्कशन में जो है शामिल किया जाएगा, जहाँ जो है आप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का जो है 2 से 3 ग्रुप बनाया जाएगा,
और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस पे जो है इंग्लिश में ही डिस्कशन करना होगा आपस में। नेक्स्ट, अगर आप जो है GD क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसी दिन रात को जो है 11 से 12 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपका, और आपको मेडिकल के लिए पास कर दिया जाएगा जो PFT होने के जो है 1 महीना बाद होगा। अब आते हैं स्टूडेंट चौथे पार्ट यानी फेज जो है 3 पे हम, जो कि मेडिकल है। तो मेडिकल में आपको पूरी तरह से फिट है या नहीं यही चेक किया जाएगा, यानी आपको फिजिकली और मेंटली जो है चेक किया जाएगा कि आप फिट हैं कि नहीं। मेडिकल के लिए जो कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल जो रिक्वायरमेंट हैं जो नॉर्मली एयरफोर्स मांगता है, तो सबसे पहला है आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा है आपको अपने नॉर्मल चेस्ट से मिनिमम 5 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंड करना होगा अपने चेस्ट को। और जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो है आपका वजन मिनिमम 55 किलो से ऊपर होना चाहिए, यानी आपके हाइट के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। नेक्स्ट, बाकी मेडिकल में और भी सारी जांचें होंगी। अब अगर आपको मेडिकल में जो है ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो आ जाते हैं हम जो है फिफ्थ पार्ट पे, यानी जो है फेज 4 पे। तो हमारा जो फाइनल कट ऑफ है फेज 4 है वो मेडिकल होने के 2 महीने बाद आता है, या फिर उससे अधिक भी हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये फाइनल कट ऑफ बनती कैसे है स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे मेडिकल पास कर लेते हैं उसके बाद टोटल अवेलेबल पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन टेस्ट और बाकी प्रोसेस में हाई स्कोर करने वालों की जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट बनती है, और इसी लिस्ट को फाइनल कट ऑफ लिस्ट कहते हैं। तो अगर आपका जो है नाम फाइनल कट ऑफ में आ जाता है तो हम चलते हैं अपने 6th पार्ट यानी जो है ज्वाइनिंग लेटर पे। जी हाँ स्टूडेंट, फाइनल कट ऑफ में नाम आने पे जो है 1 से 2 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। सो फाइनली स्टूडेंट, कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल।